बढ़ते आगे उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़े हालात। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर में बाढ़ की स्थिति। 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में 22 की मौत। बारिश, बाढ़ से हरिद्वार में 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड में अभी तक कुल 252 सड़कें बंद हैं। तो 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जो है जताई गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में हालात जो हैं बिगड़े हैं। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता से और क्या कुछ तस्वीरें हैं हरिद्वार में, मौसम कैसा है आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट है हरिद्वार में और हरिद्वार में रुक रुक के बारिश हो रही है। मैं बता दूं कि इस बार जो आफत की बारिश पूरे प्रदेश में हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जनपद में हुआ है। हरिद्वार जनपद के 70 गांव इस समय अलग अलग तहसील में बाढ़ग्रस्त है, जिसमें पूरी तरह से जल भराव हो गया है और बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। बचाव कार्य के लिए 4 एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, 8 एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, 1 सेना की टीम यहां पर लगाई गई है। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी और उसके अलावा जो हरिद्वार पुलिस है, तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो वहां पर बचाव कार्य के लिए लगाए गए हैं। और क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है जिसमें लाखों की संख्या में कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो अधिकतर रास्ते जो है वो जाम है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो जिसे देखते हुए हरिद्वार बल्ला इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कल पूरे दिन भर यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई गई है। खाने की किट है, पीने का पानी है, इस तरह की जो मूलभूत आवश्यकता है सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वो चीजें बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। जो 70 गांव मैंने बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो लक्सर तहसील, रुड़की, भगवानपुर और हरिद्वार, ये 4 तहसील हैं जिसमें सबसे ज्यादा ये गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। तो जो बाढ़ग्रस्त हैं वो लोग अपने छतों पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस भी है, अभी सुबह की तस्वीरें आई हैं कि लक्सर के जो वहां पर इंचार्ज हैं वो ट्रैक्टर से घरों में जा जाकर बच्चों को फ्रूटी और जो परिवार के लोग हैं उन्हें पानी वितरित कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है फिलहाल सरकारी अमला उसमें लगा हुआ है, राहत पहुंचाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि बड़ी आपदा आई है और बड़ी संख्या में लोग इससे बाढ़ग्रस्त हुए हैं तो इंतजाम काफी किए गए हैं। मैंने आपको बताया कि 4 टुकड़ी एनडीआरएफ की लगी हुई है, 8 एसडीआरएफ की हैं, भारतीय सेना को बीच में लगाया गया है। तो बड़े स्तर पर हालांकि रेस्क्यू चलाया जा रहा है लेकिन अभी नाकाफी है, राहत लोगों तक पूरी तरह से अभी नहीं पहुंच पाई है क्योंकि ज्यादा जो जल भराव है वो लक्सर एक कस्बा है, लक्सर भी पूरी तरह से जल भराव की चपेट में। उसके अलावा जो गंगा नदी के आसपास के गांव हैं खानपुर में और लक्सर में पूरी तरह से डूब गए हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके सामने खाने पीने की दिक्कतों का सामने के साथ साथ जो उनकी जो उनके जानवर हैं, मेवासी हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया है कि कहाँ से चारा आएगा। क्योंकि करीब जो कल आंकड़ा था उसमें करीब 2500 बीघा जमीन जो फसल है वो पूरी तरह से डूब गई है। तो उसके डूबने के चलते जो उनके जानवर हैं उनके सामने भी चारे का संकट पैदा हो गया है। तो अब इंसानों के साथ साथ जो पशु हैं वो भी परेशान हैं। तो प्रशासन को पशुओं के साथ इंसानों को सबको खाने पीने की व्यवस्था करनी है जिसके लिए पूरा आमला लगाया हुआ है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हरिद्वार से मुख्यालय यहाँ पर बल्ला इंटर कॉलेज के ग्राउंड से यहाँ पर खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है जिसमें एक नायब तहसीलदार और एक पूरी एक टीम यहाँ पर लगाई गई है। जो हेलीकॉप्टर आता है उसमें पैकेट भरते हैं और उसके बाद वहां पर लक्सर पहुंचाए जाते हैं, वहां से उन्हें वितरण किया जा रहा है। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जो पूरी आफत की बारिश हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ है वो हरिद्वार जनपद में हुआ है। हरिद्वार जनपद के करीब 70 गांव पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं और पानी में डूब गए हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए। अभिषेक कुमार देहरादून से संवाददाता हैं। अभिषेक, देहरादून में मौसम कैसा है और आगे मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जताया हुआ है, आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी उत्तराखंड में?
हाँ बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसके उसकी अगर बात की जाए तो देखिए रेड अलर्ट जारी किया था, लगातार बारिश हुई है। ऑरेंज अलर्ट आज तक का है, उस पर भी लगातार जो है वो बारिश हो रही है। केवल अगर शुक्रवार का दिन अगर छोड़ दें तो शुक्रवार को जो है धूप देहरादून में निकली थी, इसके अलावा प्रदेश के अन्य कई इलाके हैं जहां पर जो है धूप दिखाई दी थी, लेकिन देर रात से फिर एक बार देहरादून में ही बारिश शुरू हो गई है। अभी फिलहाल भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और सुबह ही तड़के ही बारिश यहां पर रुकी है। बूंदाबांदी हालांकि थोड़ी देर पहले भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी मौसम पूरा पूरी तरह से साफ है, लेकिन बादल अभी छाए हुए हैं। ये तो देहरादून का हाल है, लेकिन जो पिछले 4-5 दिनों से जो यहाँ पर बारिश हुई है उसके कारण जो है काफी दिक्कत काफी परेशानी लोगों को हुई है। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरने की जो समस्या है वो हो गई थी और उसको निकलने में 2 से 3 दिन का वक्त भी लगा है। ऐसे भी इलाके हैं अगर बात करें तो खासतौर पे जो DL रोड जो देहरादून में ही पड़ता है वहां पर जो नदी नालों के अंदर जो अतिक्रमण करके जो घर बनाए हैं यानी कच्ची कॉलोनियां जिनको हम कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर जो है सबसे ज्यादा दिक्कत है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए प्रशासन का जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है। इसके साथ ही क्योंकि पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी का जो काम है उसके तहत जो नाले बनाए जा रहे हैं वो जगह जगह से जो खुदा हुआ है वहां पर जो है पानी भरने की समस्या है, जिससे वो सारा पानी जो है रोड पर आया है। तो ये इस तरह की जो समस्या है वो पूरे देहरादून में है। फिलहाल यहाँ से अगर बात की जाए तो देखिए मौसम अभी पूरी तरह साफ है और हम अभी जो चीजें हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों की परेशानी है खासतौर पर जो संडे का दिन होता है और वैसे भी आज वीकेंड है, वीकेंड के दिनों में पिछले वीकेंड भी हमने देखा कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे। कारण था कि बारिश जो है लगातार हो रही थी, संडे का दिन भी ऐसी गया है और अब जो है अभी की अगर देखिए ताजा तस्वीरें अभी भी बात करें तो अभी भी जो है बूंदाबांदी एक बार फिर शुरू हो गई है। तो ये मौसम लगातार बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से अगले 1 हफ्ते तक का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल यही अपडेट जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसको देखते हुए जो प्रशासन है वो भी क्योंकि पूरी तरह से अलर्ट पर है और जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो भी पल पल की जो अपडेट है उस पर नजर बनाए हुए। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमने देखा कि स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं, साथ ही अगर मैं बात करूं स्थानीय नेताओं का और अधिकारियों का, किस तरीके से राहत के पैकेट जो है लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी दिक्कतें लोगों के सामने हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, ऐसे में उनके लिए राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो पैकेट हैं खाने के वो लक्सर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वितरण प्रणाली अगर ठीक नहीं होगी तो लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। तो इस पे ही फोकस जिला प्रशासन का है भी और रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों तक राहत सामग्री पहुंचेगी नहीं तो वहाँ राहत सामग्री पहुंचाएगा कोई लाभ नहीं होगा। तो जिसे देखते हुए अभी कई तस्वीरें आई हैं जो तो जिला प्रशासन ने साझा की है, उसमें जो पुलिस कर्मी है वो ट्रैक्टर पर बैठकर घर घर पानी पहुंचा रहे हैं और जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह का जो टीमें हैं वो लगी हुई है, लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। हालांकि जो अभी राजनेता है, चूंकि बाढ़ का इलाका है और जल भराव ज्यादा हो गया है, तो स्थानीय जो नेता है वो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिना संसाधन के बिना पानी के। बिल्कुल, चलिए देखना होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन सही हो और लोग अपने घरों में आराम से रह सके। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी।